हेलो गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग सो गाइस आप लोगों को प्यारी गुड मॉर्निंग जय श्री राम राधे राधे आशा करती हूँ आप सभी लोग हेल्दी और स्वस्थ होंगे तो गाइस कमेंट करके जरूर से बताइएगा आप लोग कैसे हो तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरवा और हस्बैंड जी की स्पेशल फरमाइश है कि आज तुम दोपहर के लंच में बैगन का भरवा बनाइए तो गाइस मैं सोची कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को मेरे हाथ का बैगन का भरवा बहुत ही टेस्टी लगता है मतलब बहुत ही यम्मी लगता है तो वो कैसे बनता है अधिकतर सभी लोग वैसे ही बनाते हैं जैसे मैं बनाऊंगी बट हाँ सबका बनाने का थोड़ा बहुत स्टाइल अलग होता है तो गाइस मैं अपनी रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ और कैसे बनता है क्या क्या बनता है स्टेप बाई स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और बताऊँगी भी कि क्या क्या मैं डालती हूँ बैगन के भरवे में तो गैस चले किचन में सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सो गैस चलते हैं तो गाइस हम आ गए हैं अपने किचन में और मैं ले ली हूँ प्याज दो है इसको कट की हूँ और लहसन है अदरक और ये रही मिर्ची और क्योंकि हम लोग तीखा ज़्यादा खाते हैं इसलिए थोड़ी मिर्ची ज़्यादा रहती है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से लीजिएगा और ये रहा पश फोरन जिसको हम लोग बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हो कमेंट करके बताइएगा और इसको मैं भून ली हूँ तो अभी इस, इसका पाउडर बनाना है एकदम और ये रहा हमारा बैगन तो सबसे पहले मैं पचफोरन को पीस लेती हूँ तो गाइस अब हम सबको पीसना स्टार्ट करूँगी सबसे पहले मैं ले लेती हूँ पचफोरन पचफोरन को एकदम बारीक सा फाइन सा पाउडर बनाना है देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया वैसे ही बनाना इसको एकदम फाइन सा पाउडर बनेगा देखिए एकदम बारीक है फिर उसके बाद मैं उसको निकाल लेती हूँ ट्रांसफर कर लेती हूँ एक प्लेट में और फिर जो कांदा है और लहसुन है उसको एक बार मैं पीसूंगी वो सबका भी मतलब कि थोड़ा एकदम बहुत बारीक हमें उसका पेस्ट नहीं बनाना थोड़ा दरदरा टाइप में बनाना बट मिक्सचर से पीसो तो थोड़ा बारीक हो ही जाता है तो गाइस देख सकते हैं मैं कांदा और लहसुन का पेस्ट बना दी हूँ उसको निकालने के बाद अभी मेरा बचा हुआ है लहसुन मिर्चा उसको भी मिर्ची को भी मैं ज़्यादा मतलब मिर्ची तीखा हम लोग ज़्यादा खाते हैं सो गाइस आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा ये नहीं कि मैं ज़्यादा ली हूँ तो आप लोग भी ज़्यादा लीजिए बना बहुत तीखा लगेगा और मेरे बच्चों को और मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है इसलिए हम लोग ज़्यादा तीखा लेते हैं तो गाइस ये दे सकते हैं कितना हरा हरा मिर्ची मिर्ची दिख रहे हैं ना बहुत तीखा लगता है और लेकिन यकीन मानिए बहुत ही बनेगा तो सारी चीज़ों को हम निकाल लेते हैं और जैसे काफ़ी लोग डालते हैं अमचूर बट मैं मेरे पास इस टाइम अभी अमचूर है नहीं तो मैं खटाई तो डाल नहीं सकती तो इसके लिए खट्टा करने के लिए बिना खट्टा के टेस्ट का कोई भी भरवा चाहे वो बैगन का हो करेले का हो किसी का भी हो अच्छा नहीं लगेगा इसके लिए मैं उसमें डाल देती हूँ एक नींबू और तेल तेल डाल के खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ फिर उसमें मैं डालूँगी हल्दी और अपने जितना स्वाद अनुसार नमक डालेंगे जितना हमारा मतलब बैगन है उस हिसाब से हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं डाल सकते बैगन हमें पता है कि हमें इतना बैंगन बनाना है उस हिसाब से मैं अपना बना बना रही हूँ तो गाइस आप लोग भी वैसे ही बनाइएगा उतना ही नमक डालिएगा और मैं ले लेती हूँ बैगन बैगन को हमें करना है बीच में से कट कट करके निकालना बिल्कुल नहीं है आधा ही कट करना और उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें चेक करना होता है क्योंकि क्या ऊपर से बैंगन तो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ फ्रेश बैगन है बट अंदर कीड़े रहते हैं तो इसके लिए बहुत ध्यान से हमें कट करना होता फिर हमारा जो मिक्सचर में बना के रखी हूँ जो है कलौजी का मसाला तो उसको हमको उसके अंदर अच्छे तरीके से भरना है और सो so गाइज़ जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहा है तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऐसे ही प्यारी प्यारी आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी सो गाइज देख सकते हैं मेरा सारा मैं बैगन भर ली हूँ फिर मैं गैस को कर देती हूँ ऑन कढ़ाई रख देती हूँ कढ़ाई मेरी गर्म हो जाती है तो फिर उसमें मैं डालती हूँ तेल और तेल को भी गरम होने तक रुकना पड़ता है जब थोड़ा गरम हो जाएगा चेक कर लेना कि थोड़ा सा हाँ ऐसा लग रहा है कि गरम हो गया फिर उसमें हम डालेंगे अपना जो बैगन को भर के रखे हैं ना वो बैगन को सारे बैगन को अच्छे तरीके से हम कढ़ाई में बिछा देंगे एक के एक ऊपर नहीं रखेंगे सब तरफ मतलब बिछा देंगे और उसको ढक के रखेंगे दस मिनट बाद हल्की आँच मीडियम आँच बहुत ज़्यादा नफ़ास फास्ट आँच रहना चाहिए न स्लो मीडियम आँच करेंगे तो दस मिनट में आप देखेंगे कि ऐसा दिखेगा उसका कलर और धीरे धीरे हमारा बैगन पकने लगा है बैगन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस दस मिनट एक बार लगता है दस मिनट एक बार बीस मिनट में आपका बैगन का भरवा मस्त बन के हो जाएगा रेडी तो गाय से ये देख सकते हैं और इसको जैसे एक तरफ से अच्छे से पक जाए तो हमें दूसरे तरफ थोड़ा सा माल के मतलब पलट के पकाना पड़ता है क्या कच्चा टेस्ट आता है मसाले क्योंकि मसाले हमारे सारे अदरक लहसुन भुना हुआ नहीं रहता है तो उसको अच्छे तरीके से हल्की आँच में पकाना पड़ता है ये देखिए दस मिनट बाद फिर वापस से ऐसा कलर आ जाता है तो लगभग लगभग हमारा बैगन हो गया है लेकिन हम थोड़ा पांच मिनट और रुकेंगे और बहुत ही टेस्टी देखने में कितना यम्मी लग रहा है सो तो गाइस हमारा बैगन का भरवा हो गया है मोस्ट टेस्टी सा यम्मी सा रेडी तो गाइस हम उसको कर लेते हैं प्लेट पे ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पका हुआ है न जला है और यकीन मानिए आप एक बार ऐसे बना के दी खाइए तो गाइस हमारा बन गया है भरवा बैगन का और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना होगा बहुत यम्मी मैंने टेस्ट किया बहुत ही यमी लगा सो so गाइस एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए भरवा बहुत ही टेस्टी लगेगा और आपकी फैमिली मेंबर आपकी तारीफ ही तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये रेसिपी है अंजलि की सो गाइस आज की ब्लॉग में बस इतना ही मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में भी और नेक्स्ट रेसिपी में क्योंकि मैं सब कुछ लाती हूँ ब्लॉग भी लाती हूँ वीडियो भी प्यारी प्यारी सी लाती हूँ शॉर्ट्स भी लाती हूँ और रेसिपी भी अपनी देती हूँ सो so गाइस इसलिए आप प्लीज़ मेरे फुल वीडियो को वॉच करिए प्लीज़ गाइस तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तो गाइस प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय बाय